बहुत से लोग जिस तरह से हरिनाम करने की एक प्रार्थना भगवान से करते हैं, उसी तरह धामवास की भी प्रार्थना करते हैं कि धामवास हो। और तो क्या, हमें केवल धामवास मिल जाए, ऐसे भी हमने देखे हैं कि प्रार्थना करते हुए कि हमें केवल धामवास मिल जाए। तो क्या यही प्रार्थना सुयोचित है? ना, धामवास तो अच्छा है, भजन करने के लिए धाम में रह करके भजन करना ये तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार से, यहाँ जो है परिवेश, परिस्थिति, संगो, ये सब बहुत शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ जाओ सत्संग मिलता है, भूमि पवित्र है, फिर यहाँ दर्शन आदि हैं, राधारानी के दर्शन, गिरिराज परिक्रमा आदि, ये सब भक्ति अंग जाजन सहज लभ्य हो जाता है। मन नहीं लगता, चलो गिरिराज परिक्रमा देके आ जाए, और एक पवित्र भूमि, पवित्र राज है, इसमें कुछ नहीं हो तो कम से कम लोट पोट खाने से भी ब्रजराज भी बहुत सारे उसको पवित्र करने में समर्थ है, तो उत्तम है। लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है तो उसको तो संसार में रह करके ही भजन करना पड़ेगा। जब तक राधारानी की ऐसी कृपा नहीं होती है, उनकी इच्छा जिसको बुला लेते हैं वही आ सकता है। तो ये कोशिश अच्छा है, संसार में रहकर अगर कोशिश करते हैं हमको वर्षा में या ब्रज में जाकर के हमको रहना है, अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय है। तो संसार में रह करके ही ठीक है, जब होगा तब होगा, वो तो भविष्य जो है वो हम तो कह नहीं सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा। लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके ही हमको चिंता करना पड़ेगा, हमको किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कौन सा कमी है, ये कमी को हम कैसे मिटाएं। इसलिए क्या करना चाहिए, न तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगरि न तत्त्वदर्शिना। महत्पुरुष के सान्निध्य, गुरु सान्निध्य में बार बार पुनः पुनः जाने का चेष्टा करना चाहिए, रहना चाहिए उनके सान्निध्य में, फिर वो जैसे उपदेश करते हैं तदनुसार साधन भजन करके धीरे 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 ये संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अश्चत्तमेनम सुवीर मूलम असंग शस्त्रेण दीर्ण चित्ता, तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा संसार को छेदन करना है। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम जस्विन गताना निवर्तन्ति भूः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। फिर जिनके चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करने से फिर कभी संसार चक्र में फंसता नहीं, मैं वही परम पुरुष गोविंद के शरण में आया हूँ, हे प्रभु तुम हमको शरण में ले लो, ऐसा करके फिर चले आओ, फिर प्रभु तुमको शिकार कर लेंगे। शिकार तो किए हैं, ऐसे नहीं नया करके शिकार नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन तुम जानो जी प्रभु तुमको बिल्कुल पूर्ण रूप से शिकार कर लिया, ऐसे है ना। जब तक मोह ममता है तब तक जा करके हमको संसार में रहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कहते हैं, तावत कर्मणि कुर्वत निर्विद्युत जावता मत कत सर्वनादो व श्रद्ध जापत न जायते। तब तक संसार में रहना, तावत कर्मणि कुर्वत, तब तक कर्म करना संसार में रहकर, निर्विद्युत जावता, निर्विद माने अनाशक्ति, समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र अनाशक्ति जब तक नहीं होती है तब तक तुम संसार में रह करके भजन करो। मत कथा सर्वना दो श्रद्धा न जापत न जायते, मेरी कथा में, हरि कथा में, साधु संग में तीव्र श्रद्धा जब तक नहीं होती है तब तक संसार में रह करके कर्तव्य कर्म पालन करो, और कर्तव्य कर्म भी मेरा कर्म जान करके करो। जब तुम अपना निजी कर्म जान करके स्वयं कर्ता बन के वो कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा, और मेरा कर्म जान करके, मेरा दास बन के, अकर्ता बन के,
मेरी प्रसन्नता के लिए जब तुम कर्म करोगे, वही कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। भावना ही बंधन, भावना मुक्ति। कुछ चित्तपन आ गया तो तुमको भोगना पड़ेगा, बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। दास बन के करोगे कोई चिंता नहीं, प्रभु कहते हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम सिर्फ मेरा कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं।